अभी जी मैं अमरूद खाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार अमरूद हैं। से मैं अमरूद लेके जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का प्यारा सा व्लॉग करते हैं जी शुरू। शाम हो चुकी है और आज हमने खाने हैं अपने बाग के अमरूद, तो चलिए चलते हैं बाग में, मुलाकात करते हैं। ये वाली स्टिक्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये राई की फसल थी। यहाँ पर राई की फसल काट ली गई है और ये स्टिक्स यहाँ पर खड़ी हैं, इनको काटेंगे और जलाने के काम आएंगी ये। चला से देख लें जी, अनार के ऊपर फूल आ गए हैं और बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त कलर में, पर्पल कलर, बहुत ही डार्क कलर है माशाल्लाह से। शाम का टाइम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद देखें माशाल्लाह। किस किस ने खाने हैं अमरूद मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए, तो मैं उसको अमरूद भेज दूंगा। माशाल्लाह से देख लें जी, ऊपर तक अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें जी, ये अमरूद पका हुआ है माशाल्लाह। इसको तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अभी जी मैं अमरूद खाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार अमरूद हैं। ट्यूबवेल थोड़ी देर पहले ही बंद किया है और गवारे की फसल को लगा रहे थे पानी, तो माशाल्लाह से ये ट्यूबवेल चलने लग गया है। और ये डाल है इसकी, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी माशाल्लाह से। और प्लेट्स वगैरह जो हैं ये छत के ऊपर यहाँ पर रखी हुई हैं। ये हमारी बेरी है जी, इसके ऊपर बेर लगे हुए हैं माशाल्लाह से देख लें जी। कुछ कुछ कच्चे हैं, कुछ कुछ पक गए हैं, बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे बेर हैं। ये है जी राई की फसल जो मैंने आपको खेत दिखाया था। ये राया भी निकालने वाला पड़ा है, इसके अंदर राया है। ये देखें जी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये राय के दाने। ये वाली जो गंदम है ये कैसर भाई की है, इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हाथ से काटी जाएगी क्योंकि हार्वेस्टर के आने का कोई रास्ता नहीं है, किसी साइड पर सड़क वगैरह नहीं है, इसलिए कैसर भाई इसको हाथ से काटेंगे और हाथ की मदद से ही इसको हार्वेस्ट करेंगे। चला से मुर्गियों का डरबा है, देखें बहुत ही सादा और बहुत ही यूनिक, यानी कि गांव में जिस तरह के हमारे डरबे होते हैं मुर्गियों के, ये माशाल्लाह से मुर्गियां 3-4 हैं इसके अंदर। और ये पानी वाला ड्रिंकर है इनका, और ये साथ ही इनको बाजरा डाला हुआ है सिट्टे वाला। मिट्टी के ये बॉक्स बनाए हुए हैं, ये मुर्गियों ने खुद बनाए हुए हैं पाँव की मदद से। यहाँ पर ये अंडे देते हैं और ये इनका खाने वाला टेबल है, इसके इसके अंदर जो है फीड वगैरह डाली जाती है। अभी दूसरी साइड पर चली गई हैं मुझे देख के, और मैंने भी अपना फार्म छोटा सा डरबा बनाना है माशाल्लाह से, वहाँ पे मैंने भी मुर्गियाँ रखनी हैं। देखें बहुत ही प्यारी और देसी मुर्गियाँ हैं, ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक की शान, देखें कैसे टहल रही हैं माशाल्लाह से। दोबारा से मैं जा रहा हूं अमरूद के पास, क्योंकि एक अमरूद मैंने खा लिया था और मैंने सोचा कि अबूजी के लिए अभी तोड़ लेता हूं मैं। तो ये देख लें जी, यहां पर भी कुछ राया गिर गया था, और अभी अमरूद तोड़ते हैं जी पक्के पक्के, और फिर जाते हैं फार्म पे और वहां पे बैठ के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं अमरूद तोड़ने लगा हूँ, कुछ कच्चे हैं, कुछ जो हैं माशाल्लाह से पक्के हैं। कच्चे जो हैं वो खट्टे मीठे हैं, पक्के जो हैं वो ज़्यादा ही पक्के हैं, तो माशाल्लाह से देख लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से देख लें जी, मैंने 5-6 अमरूद तोड़ लिए हैं, और अभी मैं आपको इस साइड पर दिखाता हूँ। ये इधर इधर दिखाएं, इस साइड पर देख लें जी, ये बिल्कुल कट के बिल्कुल पास ही है, मिसे मरी भी इसको इजीली जो है ना वो तोड़ सकता है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ यहाँ से। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त। इधर दिखाएं, इधर दिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह जी एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ये माशाल्लाह से ये 5-6 सारे पक्के ही हैं, इनको तोड़ लेता हूँ मैं, और ये लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये ऊपर तक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें जी सारे जो पौधे हैं ना माशाल्लाह से वो भरे हुए हैं। अभी इनको मैं गोद में रख लेता हूँ,
और इनकी मैं काउंटिंग करके बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माशाल्लाह से जी ये मैंने 9 अमरूद तोड़े हैं जी। अभी आप दोबारा से गिन लेते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माशाल्लाह से जी ये 9 अमरूद हैं। इनको लेके मैं जाता हूँ जी, तो इनको लेके मैं जाता हूँ फार्म पे, इनको धोते हैं, काटते हैं और फिर नमक लगा के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद की चोटी पर देख लें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी। अल्लाह पाक की कुदरत के अमरूद लगे हुए हैं, ये देख लें माशाल्लाह से, ये मेरे पौधे पे अमरूद लग गए हैं, भरे हुए हैं माशाल्लाह से। जिसने खाने हैं अमरूद वो मुझे कमेंट कर सकता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमरूद लेके जा रहा हूँ फार्म पे, मज़र भाई भी आ चुके हैं, अबू जी भी हैं, इनको धोते हैं और खाते हैं। तो अभी असर का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर तक मज़ीद बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, माशाल्लाह से देख लें मौसम, और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है गांव का। गांव की शाम बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत होती है। कभी आप लोग भी आएँ गांव की शाम में, बैठें, इंजॉय करें। तो अभी जा रहा हूँ मैं नलके पे और इनको धोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद मैंने धो लिए हैं माशाल्लाह से, अभी इनको काटते हैं और फिर नमक लगा के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद मैंने धो लिए हैं, अभी इनको मैं काटने लगा हूँ। माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाले अमरूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 प्लेट अमरूद मैंने काट लिए हैं, बाकी मैंने रख दिए हैं। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतने ही काट लेंगे, बाकी पड़े रहने देंगे। तब बिस्मिल्ला पढ़ते हैं, नमक छिड़कते हैं और खाते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। दिलावर अली का दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सा प्यार, अल्लाह हाफिज़।